हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं इम्सिली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ऑन्कोलॉजी की क्लासेस पढ़ रहे थे, तो ऑन्कोलॉजी के बारे में आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो लेक्चर आपके लिए रहने वाला है बच्चों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, ऑन्कोलॉजी का हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज का टॉपिक रहने वाला है, जो कि आपको पता है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो थेरेपी होती है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं यहाँ से। और कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस लेक्चर के अंदर अंत तक बने रहना है, ताकि सारी चीजें जो आपको इजीली समझ में आ जाए। आगे बात समझ में, तो आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। हमारे जो ईएसआईसी का एग्जाम है, नॉसेट का एग्जाम है, वो पास आता जा रहा है, और उसके रिगार्डिंग जो तैयारियां हैं वो आपकी अच्छी चल रही होंगी। चलें, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशन थॉट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि शाखें होंगी तो पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे। शाखें होंगी तो पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो बिल्कुल बच्चों, अपना कंटिन्यू बने रहे अपनी पढ़ाई के अंदर, घबराना किसी बात के नहीं है। किसी भी बात से अगर आपको डर लगता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करें, मैसेज करें, आपको हर समस्या का समाधान यहाँ पे मिल सकता है। आगे बात समझ में, हम पूरी की पूरी कोशिश करते हैं हर बच्चे की समस्या को सॉल्व करने की। आगे बात समझ में, हमारे सपोर्टिव नंबर जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इस नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारे नंबर दिए होते हैं, आप वहां से कॉल मैसेज करके, और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप यहाँ पे मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ले जाया जाएगा, जोड़ा जाएगा। आगे बात समझिए, वहां पे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाते हैं बच्चों, काफी बच्चे वहां पे जुड़ चुके हैं। तो आप भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ताकि आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो जल्दी से जल्दी हो सके। आगे बात समझ में, चलिए आज की जो क्लास है, आज की जो टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, हम रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के बारे में आज जानेंगे कि बच्चों रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी क्या होती है। तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी के अंदर जो चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। रेडिएशन थेरेपी बच्चों और कीमोथेरेपी की बात करूं तो बहुत लंबी है, एक एक बुक जो है के ऊपर बनी हुई है। हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो हमारे काम का है, जो हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। आगे बात समझ में, उन सारे टॉपिकों को, उन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, और कहीं भी इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए सबसे पहली हेडिंग डालेंगे रेडिएशन थेरेपी। क्या डालेंगे बच्चों? रेडिएशन थेरेपी। ध्यान से समझना है, सारे बच्चे रिलैक्स हो जाएं, जैसे किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। कान में ईयरफोन लगा लीजिए, ध्यान से सुनना इस चीज को, आपको यही की यही चीज को समझ में आ जाएगी। आपको घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। आगे बात समझ में, चलिए रेडिएशन थेरेपी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रेडिएशन थेरेपी से आप क्या समझते हैं? देखो, इसके नाम से ही पता लगना चाहिए आपको कि रेडिएशन का मतलब क्या है। रेडिएशन का मतलब होता है कि रेडिएशन देना, क्या करना, रेडिएशंस को देना। रेडिएशंस देके हम क्या करते हैं कि हमारे ट्यूमर साइज को छोटा करने की कोशिश करते हैं, हमारे कैंसर सेल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। बस उसी को यहाँ पे रखा गया है। रेडिएशन थेरेपी के अंदर सिंपल सी बात ये है, जैसे एक्सरेज में जैसे रेज होती हैं, रेडिएशन किरणें होती हैं, उनको ट्यूमर साइज पे दिया जाता है, कैंसर सेल पे क्या किया जाता है, एकत्रित करवाया जाता है, वहां पे उसको डाला जाता है। जब वो डालते हैं वहां पे, तो उनकी जो ट्यूमर की साइज है वो छोटी दिखाई देती है, या फिर छोटी हो जाती है। आगे बात समझ में, कैंसर सेल को मारने का एक तरीका होता है रेडिएशन थेरेपी। आगे बात समझ में, चलिए अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। लिखेंगे इसके अंदर, इट डिस्ट्रॉय इट डिस्ट्रॉयड, क्या डिस्ट्रॉय करेगा? इट डिस्ट्रॉय ट्यूमर और कैंसर सेल एज वेल एज हेल्दी नॉर्मल
हेल्दी नॉर्मल सेल। अब इसके साथ साथ क्या होगा कि जैसे आपने रेडिएशन किसी ट्यूमर के ऊपर दिए, जैसे सपोज दैट नॉर्मल सेल बाय द बीम ऑफ रेडिएशन। इस बात का, इस छोटी सी लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही कंसाइज तरीके से इस लाइन को लिखा है, बहुत ही सिंपल तरीके से इस लाइन को लिखा है। अब इसकी लाइन के अंदर क्या चीजें बताई गई हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है लाइन का मतलब? देखो, सिंपल सी बात यहाँ पे करा गया है कि रेडिएशन थेरेपी के बारे में सिर्फ इतना यहाँ पे बताया गया है आपको कि ये क्या करती है। सपोज दैट हमारी बॉडी ये है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि भैया यहाँ पे हमारी कैंसर सेल जो है बन गई है। सपोज है, आपको मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जनरल बातें आपको बता रहा हूँ। अब इसके जो आसपास ये लाल कलर की आपको दिख रही है, ये हमारी नॉर्मल सेल है। ये बच्चों क्या है, हमारी नॉर्मल सेल्स हैं। अब जब आप रेडिएशन दोगे, हम आप तो रेडिएशन कहाँ दे रहे हो कि हमारी कैंसर सेल पे आप क्या दे रहे हो, रेडिएशन दे रहे हो। जब आप रेडिएशन यहाँ से जाएंगे कैंसर सेल के ऊपर, तो क्या होगा कि ये कहाँ पड़ेंगे, हमारे नॉर्मल सेल के ऊपर भी पड़ेंगे। पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे कि सर बिल्कुल पड़ेंगे। जब नॉर्मल सेल के ऊपर रेडिएशन पड़ते हैं तो नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय होने की प्रवृत्ति रखती है। क्या रखती है, नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय होने की प्रवृत्ति रखती है। तो इससे क्या होता है बच्चों कि ये कैंसर सेल को तो मारता ही मारता है, लेकिन हमारी कुछ नॉर्मल सेल्स जो हमारी हेल्थी सेल्स हैं उनको भी मारने का काम करता है। आगे बात समझ में, इस बात का ये मतलब है। आगे बात समझ में, इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको कि नॉर्मल सेल को भी मारेगा और कैंसर सेल को भी मारेगा। आगे बात समझ में, चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि इट डिक्रीज द बल्क ऑफ ट्यूमर साइज। क्या करता है बच्चों कि ट्यूमर की जो बल्क साइज है, जो बहुत बड़ी साइज है, उसको छोटा करने का काम करता है। जैसे सपोज दैट कि एक कैंसर सेल ये है, ठीक है। अब इसने इसको तोड़ तोड़ के इतना सा कर दिया, तो फायदा किस में होगा, कि छोटी में होगा या बड़ी में होगा? कि सर बिल्कुल छोटी में होगा। किस में होगा बच्चों कि सर बिल्कुल छोटी में हमें देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि छोटी सेल को निकालने में, सर्जरी के द्वारा निकालने में इजीलीपन देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, इजीपन देखने को मिलेगा और कम क्या होगी, मेलिग्नेंसी होगी कैंसर की। आगे बात समझ में, जितना बड़ा रूप होगा उतनी ही खतरनाक होगी, और जितना छोटा रूप होगा उतनी ही क्या होगी, सुलभ होगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। आगे बात समझ में, चलिए अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा कि दो टाइप की होती है रेडिएशन जो थेरेपी होती है। रेडिएशन थेरेपी की अगर मैं आपसे टाइप्स की बात करता हूँ बच्चों, तो टाइप्स की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो दो टाइप की होती है, दो दो चीजें होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। क्या होती है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होती है, और एक होती है इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। क्या होती है, एक होती है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होती है, और एक होती है इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। अब इस बात का आपको समझने आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इनके दूसरे नाम भी होते हैं। अगर हम एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी की बात करते हैं, एक्सटर्नल का मतलब होता है कि किसी भी जो रेडिएशन, जो चीजें हम दे रहे हैं, जो रेडिएशन जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, एकत्रित करेगा। उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, बाहर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, आउट ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी के बाहर से ही हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को दे रहे हैं। तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। अगर हम रेडिएशन कहां से दे रहे हैं, बॉडी के बाहर से दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। इसका दूसरा नाम होता है टेली थेरेपी। इसका दूसरा नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों टेली थेरेपी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है तो इस बात का ध्यान रखना, टेली थेरेपी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेली थेरेपी। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम बॉडी के अंदर ही एक ऐसा चीज जो हम क्या करते हैं, रेडिएशन को एकत्रित करवाता है, उस चीज को हम बॉडी के अंदर से ही रेडिएशन दिलवाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। अगली बात समझ में, एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के बाहर से दे रहे हैं, इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर से दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं ब्रेकी थेरेपी। क्या कहते हैं, ब्रेकी
थेरेपी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? इन दोनों बातों का मतलब समझ में आ गया। ब्रेकी थेरेपी, एक्सटर्नल का मतलब आपको समझना है और इंटरनल का मतलब आपको समझना है। आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएगी कि एक्सटर्नल का मतलब हम बॉडी के बाहर से देंगे, इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर से देंगे। चलिए अब इसके अंदर दो बातें लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको याद रह जाए। द रेडिएशन सोर्स आउटसाइड टू बॉडी, रेडिएशन सोर्स हमने कहाँ रखा है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। रेडिएशन को कहाँ रखा है हमने? आउटसाइड ऑफ द बॉडी रखा है। इसीलिए क्या देखने को मिला है प्यारे बच्चों? क्या देखने को मिला है कि उसको हमने बोला टेली थेरेपी। अब इसमें देखेंगे, एक्चुअल रेडिएशन, एक्चुअल रेडिएशन सोर्स इज इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी हमने कहा रखा है उसको कि इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर रखा है। बॉडी के कहाँ रखा है? अंदर रखा है। उसको क्या कहा हमने? इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी, मतलब ब्रेकी थेरेपी उसको नाम दिया। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे ब्रेकी थेरेपी के दो टाइप की बात करता हूं कि ब्रेकी थेरेपी के कितने टाइप होते हैं बच्चों? दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूं, सबसे पहला जो होता है टाइप वो कौन सा होता है? सील्ड ब्रेकी थेरेपी, और एक होता है अनसील्ड ब्रेकी थेरेपी। लिखेंगे, सील्ड होता है और एक होता है अनसील्ड। एक होता है सील्ड, एक होता है अनसील्ड। अब मैं आपसे सील्ड और अनसील्ड की बातें यहां पे करूंगा। देखो सील्ड का मतलब क्या है कि एक आपने क्या किया है कि सील्ड, सील्ड का मतलब होता है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बॉडी के अंदर ही इम्प्लांट कर दिया है। सपोज दैट किसी को सर्वाइकल कैंसर है, सपोज दैट किसी को सर्वाइकल कैंसर है, तो उसने क्या किया है? उस ऑब्जेक्ट को वजाइना के थ्रू सर्विक्स के पास जाके क्या कर दिया है? इंसर्ट कर दिया है और बाहर से रेडिएशंस दे रहे हैं। वो रेडिएशंस क्या कर रहा है? उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा रहा है। आगे बात समझ में? दूसरी बात होती है अनसील्ड की। अनसील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं? उसको घोल पिलाते हैं, उसको सॉल्यूशन पिलाते हैं। मतलब कि इसको क्या करते हैं? आईवी और ओरल देते हैं। इसको अनसील्ड को क्या करते हैं बच्चों? आईवी और ओरल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये बॉडी के टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है और वहां से रेडिएशंस को क्या करता है? छोड़ता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है बच्चों? देखो इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई जो बात नहीं है इसके अंदर। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। देखो पहली चीज हमने पढ़ी कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी के अंदर हमने क्या बताया कि बाहर से हम क्या कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट मेरे को किसी को हाथ का कैंसर हुआ है, तो हमने हाथ से क्या कर दिया है? ट्यूमर, ट्यूमर यहाँ पे प्रेजेंट है, ट्यूमर हमने क्या किया? जैसे सपोज दैट ओरल कैंसर होता है किसी पेशेंट को, तो हमने बाहर से ही उसको क्या कर दिए हैं? रेडिएशन दे दिए हैं, तो उसको बोल दिया टेलीथेरेपी। अब हमने क्या कर दिया है कि मेरे मुंह में ही मैंने एक चीज रख दी है, चीज रख दी है, और रेडिएशन वहां से निकल रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। अगर सपोज दैट मेरे को कोई घोल पिला दिया है, सपोज दैट किसी पेशेंट को आपने घोल पिला दिया है, और घोल क्या कर रहा है? उस चीज को क्या कर रहा है? रेडिएशन निकाल रहा है वहां से, तो उस कंडीशन को कहते हैं अनसील्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? आगे बात समझ में अगर नहीं आई हो तो प्लीज वापस से रिपीट करेंगे वीडियो को और आप सुनेंगे। आगे बात समझ में? चलिए सील्ड और अनसील्ड के अंदर इतना सा ही फर्क होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर आपने सील्ड की बातें करी हैं, तो सील्ड के अंदर क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे इट इज इम्प्लांटेड, इट इज इम्प्लांटेड विद इन विद इन द ट्यूमर टारगेट। ट्यूमर टारगेट टिश्यू, क्या बात हुई है बच्चों? कि इट इज द इम्प्लांटेड विद इन द ट्यूमर टारगेट, मतलब कि ट्यूमर के पास ही जाके हमें रखना होता है, इम्प्लांट करना होता है। आगे बात समझ में? अब अनसील्ड के बारे में क्या कहती है? देखो अनसील्ड क्या कहती है, तो इसमें क्या करते हैं? गिव ओरल एंड आईवी रूट। क्या किया है बच्चों हमने? सिर्फ ओरल एंड आईवी रूट से हमने क्या दे दिया है? इसको दे दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? देखो सील्ड और अनसील्ड के बारे में बहुत क्लियर आपको रखना है कि इसके अंदर हम एक सॉलिड मटेरियल क्या करते हैं? इम्प्लांट करते हैं सील्ड वाले के अंदर, और अनसील्ड वाले के अंदर हम घोल पिलाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए
अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी होती है रेडिएशन थेरेपी जब भी आप देते हो, ठीक है। उन बातों के बारे में हम लिखेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे केयर विद केयर क्लाइंट विद एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। मैंने शॉर्ट में लिखा है कि जब भी आप किसी क्लाइंट को एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी दे रहे हो तो उसके साथ साथ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों की केयर करनी है। आगे बात समझ में, सबसे पहली चीज कि जहां पे भी आपको ट्यूमर हुआ है, जहां पे भी आपको ट्यूमर हुआ है या पेशेंट आपके पास आया है और जहां पे उसको ट्यूमर है वहां पे उस एरिया को मार्क करना है, उस एरिया को क्या करना है, मार्क करना है। तो लिखेंगे मार्क द एरिया। क्या किया हमने कि मार्क द एरिया, एरिया को मार्क कर दिया, एरिया को हमने क्या कर दिया है बच्चों, मार्क कर दिया है। दूसरी बात हम लिखेंगे नेवर रिमूव द मार्किंग, कि आपने क्या किया है उस मार्किंग को कभी भी रिमूव नहीं करना है, उस मार्किंग को कभी भी रिमूव नहीं करना है जब तक उसकी थेरेपी चल रही है। तो आपने क्या किया कि मार्क द एरिया ऑफ रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी का जो एरिया था आपने उस मार्क कर दिया है, या फिर हम कह सकते हैं ट्यूमर को आपने मार्क कर दिया है। उसके बाद आपने क्या किया है कि उसको रिमूव नहीं करना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है डेली वॉश द एरिया विद सोप एंड वॉटर। क्या करना है कि डेली आपको सोप एंड वाटर से उस एरिया को क्या करना है, वॉश करना है। डेली का डेली आपको सोप एंड वाटर से उस एरिया को क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है। तीस चौथी बात इसके अंदर लिखेंगे डोंट एक्सपोज द एरिया, डोंट एक्सपोज द एरिया, कैसे एक्सपोज नहीं करना है, इन द सनलाइट, इन द सनलाइट, कि भैया सनलाइट के अंदर उस एरिया को क्या नहीं करना है, एक्सपोज नहीं करना है बच्चों। अगर आप एक्सपोज कर देते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, जो आपके रेडिएशन दे रहे हो, आप जो थेरेपी यूज कर रहे हो उस थेरेपी में अल्टरेशन आपको देखने को मिलता है। उस एरिया को क्या करना है, ढक के रखना है। अगर आप धूप में भी बाहर निकल रहे हो, अगर इनकेस आपको धूप में जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी है, तो आपको क्या करना है, उस एरिया को ढक के या कवर करके कपड़े से लेके जाना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। नंबर पांचवा सवाल, नंबर पांचवा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, डोंट अप्लाई, आपको किसी भी तरह की कोई क्रीम अप्लाई नहीं करना है, कोई आपको साबुन अप्लाई सॉरी आपको कोई क्रीम नहीं करनी है, आपको कोई लोशन आपको अप्लाई नहीं करना है, और ना ही किसी प्रकार का कॉस्मेटिक आइटम आपको क्या नहीं करना है वहां पे अप्लाई नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात समझ में कि डोंट अप्लाई एनी क्रीम लोशन एंड एनी कॉस्मेटिक आइटम। एनी कॉस्मेटिक आइटम, तो किसी भी प्रकार का कोई कॉस्मेटिक आइटम आपको अप्लाई नहीं करना है, और ना ही कोई क्रीम आपको अप्लाई करनी है, ना ही कोई लोशन आपको अप्लाई करना है। क्या मेरी बात क्लियर कट हो गई, समझ में आ गया आप सभी को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पे? चलिए लास्ट पॉइंट लिखेंगे, छठा पॉइंट होगा बियर सॉफ्ट क्लोथिंग। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि आपने टाइट कपड़े पहन रखे हैं, आपको ऐसे नॉर्मल कपड़े पहनने हैं, कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, सॉफ्ट कपड़े पहनने हैं। ऐसे टाइट कपड़े नहीं पहनने से, ऐसे ना ही रगड़ खाने वाले, ना ही ऐसे जर्की वाले आपको कपड़े पहनने हैं जिससे रगड़ लगे। आपको बिल्कुल भी उस जगह को रब नहीं करना है, ना ही रगड़ना है। आगे बात समझ में, और सॉफ्ट कपड़े पहने जिससे कोई रगड़ स्क्रैचेस वहां पे नहीं देखने को मिले। आगे बात समझ में, ये पांच चीजें आपको करनी है, हमेशा याद रखनी है, अपने पेशेंट्स को बताना है, इन चीजों के बारे में आपको देखना है। आगे बात समझ में, चलिए अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे
केयर, किस चीज के बारे में केयर करेंगे? देखो, केयर विद सील्ड इम्प्लांट, केयर पेशेंट विद सील्ड इम्प्लांट, कि भैया अगर किसी पेशेंट को क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सील्ड इम्प्लांट हो रखा है। सील्ड इम्प्लांट का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने बॉडी के अंदर ही क्या किया है, उस चीज को इम्प्लांट कर दिया है, उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी मेरे प्यारे लाल लालियों, उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, उन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए उन चीजों के बारे में आपको बताता हूँ कि ऐसा पेशेंट जिसके साथ सील इम्प्लांट हुआ है, उसके साथ साथ आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, पेशेंट को कहाँ रखना है? पेशेंट शुड बी कैप्ट इन प्राइवेट रूम। पेशेंट को कहाँ रखा आपने? कि भैया पेशेंट को हमें अलग कमरे के अंदर रखना है। पेशेंट को हमें कहाँ रखना है? अलग कमरे के अंदर रखना है, बाहर नहीं रखना है। आगे बात समझ में? नंबर दूसरी बात, मेडिकल स्टाफ बियर ए लैड एप्रॉन। जब भी उस पेशेंट के पास जाते हैं, कोई भी मेडिकल स्टाफ की बात करूं, किसी नर्सेस की बात करूं, किसी डॉक्टर डॉक्टर्स की बात करूं, या फिर मैं किसी टेक्नीशियन की बात करता हूं, या फिर किसी एचए या वार्ड बॉय की बात करता हूं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उसको जब भी उस रूम में जा रहे हो, तो आपको लेड एप्रिन का यूज करना है, लेड एप्रिन के साथ ही पूछना है। नंबर तीसरी बात लिखेंगे, लेड कंटेनर शुड बी कैप्ड इन रूम। कि भैया आपको एक लैब कंटेनर कहाँ रखना होगा? अपने रूम के अंदर रखना होगा, जहां पे पेशेंट क्या कर रहा है, रेडिएशन को ले रहा है, उस पेशेंट के पास आपको एक लेड कंटेनर हमेशा अवेलेबल रखना होगा। अब लेड कंटेनर का काम क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। चलिए, अभी उसका एक टॉपिक आएगा, उसके बाद मैं आपको चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे चीजें आपको लेड एप्रिन के अंदर लेड कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ में? सबसे दूसरी बात और नंबर फोर्थ पॉइंट की हम क्या करेंगे कि डू नॉट अलाउ द प्रेग्नेंट फीमेल और प्रेग्नेंट नर्स एंड चिल्ड्रन इन पेशेंट रूम। कि भैया पेशेंट के रूम में ना बच्चे अलाउड हैं, ना कोई प्रेग्नेंट फीमेल अलाउड है, और ना ही कोई प्रेग्नेंट नर्स अलाउड है। इन चीजों को दूर रखना है, क्योंकि उनको रेडिएशंस लगने से क्या हो सकते हैं, बच्चे के अंदर नॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि ऐसी महिलाओं को दूर रखना है, क्योंकि वो क्या होती हैं, वो कैसी होती हैं बच्चों, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होती हैं। इम्यूनो, उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो कम होता है, जैसे बच्चों का होता है वैसे ही प्रेग्नेंट फीमेल का होता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। दूसरी बात करते हैं, नंबर पांचवे पॉइंट की हम बात करते हैं कि पांचवा पॉइंट हमारा क्या कहता है। नंबर पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि वन शिफ्ट ऑफ नर्स स्पेंड 30 मिनट विद द पेशेंट। कि आपको क्या करना है बच्चों, ऐसा पेशेंट के पास आपको एक शिफ्ट के अंदर क्या रहना है, 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहना है, 30 मिनट तक ही रहना है। नहीं तो आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो रेडिएशंस हैं, आप फालतू में ले लोगे रेडिएशंस और कैंसर की चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आपको जब भी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी
चल रही है, तो आपको 30 मिनट के ज्यादा उसके पास नहीं रुकना है। आगे बात सुनिए, जैसा ही क्राइटेरिया हमारे मेडिकल स्टाफ के लिए लागू होता है, वैसा ही क्राइटेरिया हमारे पेशेंट्स के रिलेटिव्स होते हैं, जो अटेंडर होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए भी लागू होता है कि उनको भी 30 मिनट से ज्यादा वहां पे रुकने नहीं दे। आगे बात समझ में, इस बात को लिखाने का कोई मतलब तो नहीं है कि अगर पेशेंट के साथ क्या आ रहे हैं, पेशेंट के साथ उसके रिलेटिव्स आ रहे हैं मिलने के लिए आना है, तो 30 मिनट से ज्यादा किसी पेशेंट को अंदर ना रखें। आगे बात समझ में, चलिए नंबर 6 पॉइंट, विजिटर्स आर या फिर शुड बी अलाउड ओनली 30 मिनट्स इन ए डे, कि एक दिन में उसको 30 मिनट के ज्यादा नहीं मिलने दिया जाएगा, और कितने फिट की डिस्टेंस पे होना चाहिए कि विजिटर्स मस्ट बी कीप डिस्टेंस, कितने फिट की बच्चों, कीप डिस्टेंस 6 फीट टू द पेशेंट। कि आपको क्या करना है, 6 फिट की दूरी पे बने रहना है उस पेशेंट के साथ, जैसे पेशेंट जो है वो बेड पे लेटा हुआ है, उससे 6 फिट की दूरी के दायरे में आपको रहना है। अगर आप उसके 6 फिट की दूरी के दायरे में नहीं रहते हो या फिर अंदर चले जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं रेडिएशन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात समझ में, इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। नंबर 8 पॉइंट की बात कर लेते हैं कि भैया जो उसके लिनिन होंगे, जो कपड़े होंगे, लिनिन एंड बेडशीट, लिनिन एंड बेडशीट की बात कर रहे हैं, लिनिन की बात कर रहे हैं, पेशेंट के कुर्ते पजामे, उसकी बेडशीट की बात करें, ड्रॉप शीट की बात करें, टॉप शीट की बात करते हैं, जो ब्लैंकेट होता है, तो लिनिन के अंदर सारी चीजें आ गई हैं। हर एक चीज को लिखाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिनिन एंड बेडशीट कलेक्टेड अप टू एंड ऑफ थेरेपी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, कि क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको लिनिन कब कलेक्टेड करने चाहिए, कि भैया उसकी जब थेरेपी जो है 1 दिन की पूरी हो जाए, उस तक आपको क्या करना है, कलेक्टेड रखना है। आगे बात समझ में, उसके बाद आपको क्या कर सकते हो, कलेक्टेड कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। सपोज दैट मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि एक आपके पास एक मरीज है, आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, और रेडिएशन डिपार्टमेंट, या क्या हम कह सकते हैं रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास कोई पेशेंट आता है सर्वाइकल कैंसर का, एक फीमेल आती है सर्वाइकल कैंसर की। अब जब सर्वाइकल कैंसर की एक फीमेल आपके पास आती है, तो उसको शील्ड ब्रेकिंग, जो शील्ड ब्रेकिंग थेरेपी है, उसको वो लगनी है। तो आप एक इम्प्लांट उठाते हो, उसकी वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हो। सपोज दैट वो इम्प्लांट जो है वो डिसलॉज हो गया। डिसलॉज का मतलब वो बाहर निकल गया, पेशेंट के वजाइना से वो बाहर निकल गया है किसी भी कारणवश। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस प्रोसीजर को मैं आपको बताऊंगा, और उसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहली चीज देखेंगे यहाँ पे कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ रेडिएशन इम्प्लांट, इफ रेडिएशन इम्प्लांट इज डिसलॉस्ड, डिसलॉज का मतलब होता है निकल गया है, तो उस कंडीशन क्यों कह, कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि लेड कंटेनर को हमेशा उसके पास रखना है, पेशेंट के पास, तो लेड कंटेनर यहां काम आएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज लिखेंगे इसके अंदर कि एनकरेज द क्लाइंट टू लाई स्टिल,
कि आपको उठने की जरूरत नहीं है, आपको सोते ही रहना है, आपको चुपचाप बैठे रहना है बिना हिले डुले, ठीक है। दूसरी बात, आपने ये पहला पॉइंट आपने कर लिया कवर। दूसरी बात आप क्या करोगे, यूज्ड लॉन्ग हैंडल, यूज लॉन्ग हैंडल फोर्सेप्स टू पिक अप द रेडिएशन इम्प्लांट। क्या कर रहे हो कि आपने सबसे पहले पेशेंट को बोला कि आपको चुपचाप लेटे रहना है, आपको हिलना नहीं है। आपने एक लॉन्ग लंबी हैंडल वाली क्या करी, आपने एक लंबी हैंडल वाली क्या कर ली बच्चों, एक आपने लंबी हैंडल वाली एक फोर्सेप्स को आपने लिया, और फोर्स लंबी हैंडल वाले से मतलब क्या है कि आप जितना दूर और रेडिएशन इम्प्लांट से रहोगे उतना आपके लिए सेफ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि लंबी हैंडल वाली उसको फोर्सेप्स लेनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस रेडिएशन इम्प्लांट को कैच करना है, ठीक है, उसको पकड़ लेना है। तो अब क्या करेंगे, आपने पकड़ लिया है तो डिपोजिट द इम्प्लांट इनटू द कहां पे रखेंगे, इनटू द लैड कंटेनर, इनटू द लैड कंटेनर। डिपोजिट कहां करा हमने कि इम्प्लांट को डिपोजिट कहां कर दिया, हमारे लैड कंटेनर के अंदर क्या कर दिया है बच्चों, डिपोजिट कर दिया है। आगे बात समझ में कि लेड जो कंटेनर होता है, मैंने आपको बताया था कि लेड कंटेनर को हमेशा पेशेंट के पास रखना होता है ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप क्या करोगे, उसको उठा के आप उसके अंदर तो रख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। आपने लेड कंटेनर के अंदर उसको रख दिया है, उसके बाद आपने किया इन्फॉर्म द रेडियोलॉजी डॉक्टर आपने क्या किया, इन्फॉर्म कर दिया है रेडियोलॉजी डॉक्टर के पास कि भैया ऐसी कंडीशन हो गई है और ऐसे ऐसे हमने क्या कर दिया है, उसको जो इम्प्लांट था उसको हमने लेड किसके अंदर, कंटेनर के अंदर बंद करके रख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, जो आपकी शिफ्ट के अंदर हुआ है उस चीज को आपको लिखना होता है। तो आपने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट द अकरेंस एंड एक्शन टेकर, कि आपने जो किया और आपने जो एक्शन लिया उसको क्या करना होता है मेरे प्यारे लाल लालियो, लिखना होता है, रखना होता है। आगे बात समझ में, यहां तक की जो बातें हैं बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि हमें डिसलॉज जब भी होता है तो हमें कौन कौन सी चीजों को रखना होता है। बहुत सिंपल स्टेप है, आपको क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि भैया आप लेटे रहो चुपचाप, आपको हिलना नहीं है। दूसरी बात आपको क्या करनी है, दूसरी बात आपको उसको बताना है कि भैया आपको आपने बता दिया, उसके बाद आपको लॉन्ग हैंडल फोर्सेप्स लेनी है और वहां से उस इम्प्लांट को उठाना है और थैली में रख देना है लेड कंटेनर वाली में, ठीक है, लेड जो कंटेनर के अंदर रखना है। उसके बाद रेडियोलॉजी को एसआर को क्या करना है, जो एसआर होते हैं, जो सर्जिकल क्या होते हैं, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, उनको क्या करना है, आपको इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के बाद आपने लिखना है कि अब ये हमारी शिफ्ट में ऐसा डिसलॉज हुआ था, हमने क्या किया है, हमने इसको ऐसे कर दिया है और हमने इसको ऐसे कर दिया है, कैसे कर दिया है कि हमने हैंडल फोर्सेप्स से उठाया और उठा के कहाँ रख दिया है, हमारे लेड एप्रिन के अंदर रख दिया है। और रखने के बाद हमने क्या किया है, हमने इन्फॉर्म किया, उसके बाद हमने जो भी लिख दिया उसके अंदर, ठीक है, यही बात होती है। चलिए अब मैं आपसे इसके साइड इफेक्ट्स की बात करता हूं कि साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे रेडिएशन थेरेपी के। देखो रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट होता है या मोस्ट कॉमन की बात करें वो क्या होता है, फटीग होता है या मलेस होता है। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को रट लेना है कि फटीग क्या होता है बच्चों, हमारे सारे साइड इफेक्ट होता है किस चीज का, रेडिएशन थेरेपी का। आगे बात समझ में, और भी इसके रेडिएशन थेरेपी के क्या होते हैं साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि नौजिया वोमिटिंग होते हैं,
ठीक है, बोन मैरो डिप्रेशन होता है, बोन मैरो डिप्रेशन होता है। बोन मैरो डिप्रेशन की बात करूं तो ये क्या होता है, मोस्ट डेंजरस होता है बच्चों। कैसा होता है? मोस्ट डेंजरस होता है। तो मोस्ट डेंजरस फॉर्म क्या होती है बच्चों हमारे रेडिएशन थेरेपी की, तो आपको बताना है कि मोस्ट डेंजरस फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, बोन मैरो डिप्रेशन। और सबसे मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो फटीग आपको देखने को मिलता है, कान बड़ी महसूस होगी उसको, ठीक है बच्चों। और एलोपेशिया तो आपको देखने को मिल ही जाता है। एलोपेशिया का मतलब क्या होता है, बालों का झड़ जाना, हेयर लॉस होना। तभी तो हम कहते हैं जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको कहते हैं कि आपके जितने भी बाल हैं वो सारे उड़ सकते हैं, इसीलिए आप क्या कर लो, कटिंग करवा लो, सबसे पहले शुलबंडी करवा लो भैया, आपके जो जितने भी बाल आपको दिखाई दे रहे हैं आपके खोपड़ी के अंदर सबको कटवा दीजिए, जब हम क्या करेंगे आपकी थेरेपी जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आगे बात समझ में। चलिए, रेडिएशन थेरेपी के बारे में हमने जितना पढ़ा वो सारा के सारा जो कंटेंट है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन थेरेपी के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं है, बस इसी बात को आपको समझना है। आगे बात समझ में। अभी हम स्टार्ट करेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी हेडिंग डालेंगे, कीमो थेरेपी। अब भैया कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में हम पढ़ेंगे, रामायण हमको इसके अंदर नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी देखो, कीमो की बात करूं तो कीमो का मतलब होता है केमिकल, और केमिकल का मतलब होता है ड्रग्स, जो हम ड्रग्स खाते हैं। और ड्रग्स के अंदर ही क्या चीज देखने मिलती है, कीमोथेरेपी के अंदर क्या देखने को मिलता है कि ड्रग्स ही देखने को मिलती है, कि ड्रग्स के द्वारा जो बनाया गया है, ड्रग्स की चीजें जो करी गई हैं, ड्रग्स के द्वारा जो हम क्या करेंगे ट्यूमर साइज को कम करेंगे, उस कंडीशन को देखा गया है इसके अंदर। आगे बात समझ में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी चीजें लिखाऊंगा, आपको लिखते जाना है। सबसे पहली चीज लिखेंगे, आल्सो कॉल्ड एज एंटी कैंसर ड्रग एंड एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। इस बात का आपको मतलब पता लग गया होगा कि एंटी कैंसर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैंसर के विरुद्ध काम कर रही है, और एंटी नियोप्लास्टिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैया एंटी, एंटी का मतलब होता है विरुद्ध और नियो का मतलब होता है नया, तो नए सेल को बनाने के लिए क्या करती है, ये विरुद्ध काम करती है कि नए सेल को पनपने नहीं देती है। आगे बात समझ में। नई जो कैंसर सेल्स होती हैं उसको पनपने या बनने नहीं देती है। आगे बात समझ में। नंबर दूसरी बात हम करते हैं कि इन विच यूज एंटी नियो प्लास्टिक एजेंट टू प्रमोट ट्यूमर एंड टू प्रमोट ट्यूमर सेल, ऐसे लिखेंगे, ट्यूमर सेल डेथ एंड इंट्रैक्टिंग विद फंक्शन। क्या काम करेगी बच्चों, कि इसने बताया है कि इन विच जो हमारे जो एंटी कैंसर ड्रग होती है, जो एंटी कीमोथेरेपी जो होती है, वो क्या करती है कि नई सेल के फंक्शंस को अल्टर्ड करने का काम करती है, और उसके प्रमोशन ऑफ डेथ के अंदर मतलब उसकी डेथ की संख्या को बढ़ाने का काम करती है, प्रमोशन ऑफ डेथ को काम करने का काम करती है, मतलब कि उसकी डेथ को प्रमोट करती है। डेथ की प्रमोट करने का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसकी डेथ करने की काम करती है, कौन सी ड्रग, हमारी कीमोथेरेपी ड्रग। आगे बस इसमें। चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, कीमोथेरेपी क्या लिखेंगे बच्चों, कीमोथेरेपी में भी कंबाइंड कंबाइंड विद रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी और बोथ एंड टू रिड्यूस द ट्यूमर साइज।
ये क्या काम कह रहा है भैया, ये क्या कह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी कीमोथेरेपी होती है बच्चों, कीमोथेरेपी के अंदर कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी आपको, कि ये कीमोथेरेपी जो है वो कंबाइंडली यूज हो सकती है, सिंगल भी यूज हो सकती है और सर्जरी के साथ भी यूज हो सकती है। कि आपने सपोज दैट किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी दी, आपने क्या किया बच्चों, मैं आपको एक जनरल इस कंडीशन के ऊपर आपको एक चीज बताता हूँ कि ये हमारे ट्यूमर साइज है। सबसे पहले हमने बायोप्सी करवाई पेशेंट की, बायोप्सी करवाए बाद सीटी स्कैन एमआरआई सब हमने करवा लिया, पेशेंट को क्या है कैंसर है ट्यूमर है, उसको क्या हो गया डायग्नोस हो गया, फुल डायग्नोस हो गया है उसको, कैंसर है ट्यूमर है। ठीक है, अब जब कैंसर है ट्यूमर है डायग्नोस हो गया है तो कैंसर को ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते, इतना बड़ा रूप है उसका, उतना बड़ी उसकी ट्यूमर साइज हो गई है कि उसको सर्जरी के द्वारा हम नहीं निकाल सकते हैं। पहले हम उसको क्या करेंगे, कीमोथेरेपी देंगे, पहले हम उसको क्या देंगे कीमोथेरेपी देंगे, तो ट्यूमर साइज कितनी हो गई हमारी, इतनी रहेगी। ठीक है, एक लिमिट टाइम पीरियड तक दी जाती है कीमोथेरेपी। उसके बाद हमने क्या किया कि रेडिएशन थेरेपी दे दी पेशेंट को। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी से कितना हो गया साइज का, इतना हो गया। अब जब ये हो गया है, इतना सा हो गया है, तो हम क्या कर देंगे बच्चों, सर्जरी करके इसको बाहर निकाल देंगे इस कंडीशन के तहत। और इस तरीके से हम क्या करते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इस तरीके से हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। पहले इसकी साइज को कंसाइज करते हैं, छोटी करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं सर्जरी प्लान करते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। और लिखेंगे इसके अंदर भैया इसका गोल क्या होगा कि कीमोथेरेपी को देने का गोल क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल, कि ट्यूमर सेल को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ये इसका गोल हो गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी इसका आना चाहिए बच्चों कि ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा। अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि क्या हमारा पर्पस है, तो इसमें लिखेंगे टू रिड्यूस द ट्यूमर साइज। दोनों का मोटा मोटी हम बात करें मतलब वही है, गोल तो हमारा यही होता है कि हम चाहते हैं कि ये खत्म ही हो जाए कैंसर, लेकिन क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारा क्यों थेरेपी पर्पस देने का मतलब ये होता है कि क्या हो जाए, किसकी जो साइज है वो कैसी हो जाए, कम हो। आगे बात समझ में, चलिए अब इसके रूट पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार कि रूट ऑफ कीमोथेरेपी, कि बच्चों रूट ऑफ कीमोथेरेपी क्या है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि रूट तो इसके बहुत सारे हैं बच्चों, रूट तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन क्या होता है कि एक मोस्ट कॉमन रूट होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है कि भैया मोस्ट कॉमन रूट क्या होता है। तो भैया मोस्ट कॉमन रूट होता है आईबी, आईबी का मतलब समझ रहे हो इंट्रा वीनस। अब इसके रूट की बारे में बात करूं तो रूट तो बहुत सारे हैं बच्चों, आईएम आप इसको दे सकते हो, आईडी सॉरी आईएम इंट्रा मस्कुलर आप दे सकते हो, एससी आप दे सकते हो। एससी का मतलब क्या होता है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस होता है। दूसरी बात करूं तो इंट्रा वेंटिकुलर आप दे सकते हो, इंट्रा वेंटिकुलर आप दे सकते हो, इंट्रा वेसिकुलर आप दे सकते हो। वेसिकुलर का मतलब होता है कहां पे, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, इनटू द यूरिनरी ब्लड, कि आप इसको कहां कहां दे रहे हो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इसको क्या कर रहे हो इम्प्लांट कर रहे हो, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसको आप रख रहे हो। आगे बस समझ में, कि आपने कोई मेडिसिन को कहाँ रख दिया, जैसे सपोज जैसे किसी को यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हुआ है, तो उस कैंसर की ड्रग को आप कहाँ रख दोगे, हमारे ब्लैडर के अंदर रख दोगे। उस कंडीशन को कहते हैं इंट्रा वेसिकुलर, इंट्रा वेंटिकुलर हो गया, इंट्रा वेसिकुलर हो गया, बहुत सारे हैं बच्चों, इंट्रा प्लूरल की बात कर सकते हैं। जितने भी प्लेसेस होते हैं जहां पे हम रख सकते हैं, इंट्रा ऑसिकल्स हो सके, बोन के अंदर भी रख सकते हैं, तो वहां पे हम इसको रख सकते हैं एक्सेट्रा। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन जो रूट होता है बच्चों वो यही होता है आईवी। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे यहां पे
किसके बारे में बात करेंगे कि भैया साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो इसका जो एग्जैक्ट साइड इफेक्ट है बच्चों वो नहीं दिया हुआ है कहीं भी किसी भी किताब के अंदर, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो सटीक है। अगर आपसे कोई मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछता है तो आपको नौजिया एंड वॉमिटिंग पे जाना है, और नौजिया और वॉमिटिंग के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, कीमो जो थेरेपी लेते हैं इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है ऑनडेंसिट्रॉन। क्या होती है बच्चों ऑनडेंसिट्रॉन, जो ऑनडासिट्रॉन होती है या फिर हम एमसेट बोलते हैं, क्या बोलते हो आप, एमसेट के नाम से जानते हैं, तो एमसेट भी इसको बोलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भैया कीमोथेरेपी जब भी पेशेंट लेता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान रखना है कि नौजिया वोमिटिंग तो कंपलसरी ही होगी, और नौजिया वोमिटिंग जब भी होगी तो हमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देनी है कि भैया ऑनडेंसिट्रॉन का काम करना है या एमसेट का यूज करना है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है मेरे प्यारे लाल लालियों? चलें आगे की तरफ। बहुत बढ़िया कि भैया लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो उसी बात पे अड़े रहना है, उसी बात पे जमे रहना है ताकि आपकी जो फतेह है बिल्कुल हासिल हो जाए। आगे बात समझ में, कि फूल अगर शाखे रहेंगी तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, कि अगर शाखे रहेंगी तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, और के दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा चीजों को बने रहना होता है, पढ़ते रहना होता है, बस बोर नहीं होना है। बोरिंग टॉपिक है मैं मान रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। आगे बात समझ में, तो साइड इफेक्ट की बात हमने कर ली, नौजिया वॉमिटिंग, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं कि सर एलोपेसिया हो सकता है, एलोपेसिया का मतलब समझते हो, मैंने आपको बता दिया है कि सर हेयर लॉस हो सकता है, एनीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। एनीमिया क्या होता है कि ब्लड का लॉस हो जाना, ब्लड की कमी हो जाना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। कि भैया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, थ्रोम्बो साइटोपिनिया भी हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है भैया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज प्लेटलेट का कम हो जाना, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। ये भैया डिक्रीज प्लेटलेट काउंट का क्या हो जाना, प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना, उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और कौन कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है कि भैया हिर्सुटिज्म हो सकता है, हिर्सुटिज्म का मतलब होता है कि फीमेल के अंदर डाढ़ी मूंछ का आ जाना, हिर्सुटिज्म कहलाता है। और दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, कि बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सर बोन मैरो सप्रेशन भी हो सकता है। आगे बात समझ में, यहां तक कि क्लासेस में किसी को कोई डाउट है, नहीं है, चले आगे की तरफ। बहुत बढ़िया कि भैया अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में यहाँ पे बताऊंगा कि सर कौन कौन सी इसके अंदर ड्रग आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं उनको ही आपको रटना है, इससे बाहर कोई भी ड्रग नहीं जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोट्रा, क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोट्रग्स, सबसे पहली चीज कौन सी होती है, एल के लाइटिक एजेंट होते हैं। एल के लाइटिक एजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहली बात मैं आपसे करता हूं। सबसे पहली चीज होती है साइक्लोफॉस्फेमाइड, कौन सी होती है मेरे प्यारे लाल लालियों, सबसे पहली ड्रग होती है साइक्लो फॉस्फे माइट, कौन सी होती है कि सर साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग होती है। दूसरी बात होती है सिस्प्लेटिन होती है। इन तीन चार ड्रग के बारे में ही आपको पढ़ना है, एक होती है बुसल्फान, एक होती है फॉस्फेमाइड, आइसोफॉस्फेमाइड। आगे बात समझ में, इन सारी ड्रग्स के बारे में क्या देखना होता है। देखो ड्रग्स के बारे में डिटेल में भी बातें की गई हैं, लेकिन डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हम जब फार्मा पढ़ेंगे तो इसके अंदर पढ़ेंगे सारी चीजें, और उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इनका ड्रग का मालूम होना चाहिए क्योंकि ये पूछी जाती है कि ये कौन सा एजेंट है, तो आपको बताना है कि सर एल्केलाइटिक एजेंट है, और जो हमारी साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग होती है बच्चों ये क्या काम करवाती है, इसका जो साइड इफेक्ट होता है बच्चों वो क्या होता है, सिस्टाइटिस।
और सिस्टाइसिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर कि यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है। यूरिनरी इन्फ्लामेशन हो जाना यूरिनरी ब्लैडर का क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिस्टाइटिस कहलाएगा। बसल्फान का भी होता है बच्चों, बसल्फान जो होती है वो क्या करवाती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात मैं आपसे करता हूं, एंटी ट्यूमर या एंटी एंटी ट्यूमर और एंटी बायोटिक, या फिर दूसरा नाम होता है एंटी नियोप्लास्टिक। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक हो सकती है या फिर एंटी नियोप्लास्टिक हो सकती है, तो दोनों चीजें आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग होती है, सबसे पहली चीज मैं आपसे बात करता हूं, इसके अंदर जो होती है वो डॉक्सीरूबिन होती है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी होती है, डॉक्सीरूबिन होती है, डायनोरूबिन होती है और ब्लियोमाइसिन होती है, मीटोमाइसिन होती है। ये चार ड्रग इसके अंदर आपको याद रखनी है, क्योंकि डॉक्सीरूबिन और डिनोरूबिन जो होती है ये क्या काम करती हैं बच्चों, ये कौन सा साइड इफेक्ट रखती हैं, तो इसका ये करती हैं कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होती हैं। कैसी होती है कि बच्चों, कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होती है। अगर मैं आपसे ब्लियोमाइसिन की बात करता हूं, जैसे बसल्फान क्या कर रही थी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज कर रही थी, वैसे ही ब्लियोमाइसिन क्या करती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती है। आगे बात समझने कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस कौन कॉज करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस हमारी ब्लियोमाइसिन कॉज करती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर की ड्रग्स की बात करता हूं, एंटी मेटाबॉलिक, एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स होती है। अब एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है, सबसे पहली चीज होती है मीथोट्रक्सेट, मीथोट्रक्सेट। देखो मीथोट्रक्सेट जो ड्रग होती है बच्चों, मीथोट्रक्सेट ड्रग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपने पढ़ी होगी। अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर, हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। जिस बच्चे ने मेरी क्लासेस ली है ओबीजी की, उसको पता होगा कि मैंने ड्रग ऑफ चॉइस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर बताई थी, कौन सी वाली, हमारी मीथोट्रक्सेट। और कहां बताई थी ड्रग ऑफ चॉइस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसी कैसी होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर देखने को मिलती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलती है। आगे बात समझ में, नंबर दूसरी बात करते हैं इसके अंदर, एस फ्लूरो यूरेसिल कौन सी होती है, एस फ्लूरो यूरेसिल ड्रग होती है। नंबर तीसरी बात करते हैं सिटारविन भी होती है, कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों, सिटारविन भी आपको देखने को मिल जाती है। तो इन तीन ड्रग्स को किसके अंदर रखा गया है कि सर, एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स के अंदर रखा गया है। आगे बात समझ में, नंबर चार नंबर की मैं आपसे बात करता हूं कि एम फेज इनहिबिटर्स होते हैं, एम फेज इनहिबिटर्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, सबसे पहली आती है विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन होती है, विनविलास्टिन होती है और एक होती है सिक्स मेटा सिक्स मरकेप्टो यूरिन, सिक्स मरकैप्टो यूरिया।
अब इन चीजों की बात हम करते हैं कि बिन क्रिस्टिन और ब्लियोमाइसिन जो होती है वो पेरिफ्रल न्यूरोपैथी कॉज करती है, पेरिफ्रल न्यूरोपैथी कॉज करती है। अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं, किसकी, हमारे हमारे किसकी बात करते हैं कि मर्क कैप्टो यूरिन की बात करते हैं, यूरिया की बात करते हैं, तो कैसी होती है? हिपेटोटॉक्सिक होती है। कैसी होती है मेरे प्यार लाला लियो? कि सर हिपेटो सिक होती है। आगे बात समझ में, किसी भी तरह की यहाँ पे कोई परेशानी आप सभी को? देखो बच्चों, जो मैंने आपको ड्रग्स के बारे में बताया है, ये ड्रग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि सर इनको कैसे याद रखेंगे, लेकिन आप 2 से 4 बार पढ़ोगे आपको 100% ये याद हो जाएगी। अगर आपने 2-3 बार वीडियो भी देख ली तो कौन कौन सी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ में, तो आपको रिविजन की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, आपको रिविजन करना ही है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पढ़नी ही है। ठीक है बच्चों, अब मैं अब इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन की या कुछ कुछ हार्मोनल चीजों की बात कर देता हूँ। हार्मोनल भी चीजें होती हैं, कुछ हार्मोन भी हम देते हैं पेशेंट्स को। सबसे पहले हार्मोन की बात करता हूं, टैम्सुलोसिन। टैम्सुलोसिन जो होता है हार्मोन, वो किसके अंदर दिया जाता है बच्चों? दिया जाता है प्रोस्टेट कैंसर के अंदर। प्रोस्टेट कैंसर के अंदर डीओसी होती है, ध्यान रखना इस चीज का। और एक होती है टेमोक्सीफेन सिट्रेट। जो टेमोक्सीफेन सिट्रेट होता है प्यारे बच्चों, वो किसके अंदर देखी जाती है? टेमोक्सीफेन जो सिट्रेट होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें ब्रेस्ट कैंसर के अंदर देखने को मिलता है। की ड्रग ऑफ चॉइस होती है ब्रेस्ट कैंसर के। जब हम ब्रेस्ट कैंसर पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको टेमोक्सीफेन सिट्रेट का जिक्र करूंगा, तो आपको समझ जाना है कि ड्रग ऑफ चॉइस बेस्ट ड्रग किसके लिए होती है? हमारी ब्रेस्ट कैंसर के लिए होती है टेमोक्सीफेन सिट्रेट। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करता हूं कि कीमोथेरेपी हमें किन किन पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर बोन मैरो क्या है, बोन मैरो सप्रेशन है, उनके अंदर हमें नहीं देनी है। ठीक है बच्चों, अभी कोई रिसेंट सर्जरी हुई है पेशेंट की, उसके अंदर हमें नहीं देनी है। किसी पेशेंट को एनीमिया की कंडीशन है तो उसके अंदर भी हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखना होता है। तो आज की जो क्लास हमारी है बच्चों, कीमोथेरेपी और किसके ऊपर थी? वो हमारी कीमोथेरेपी और किसके ऊपर थी बच्चों? हमारे रेडिएशन थेरेपी के ऊपर थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस चीज को पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना। हमारे दोनों टॉपिक्स जो हैं खत्म हो गए हैं यहाँ पे, और इनके बाहर कोई भी चीज नहीं जाएगी। अगर आपको लगता है कि हमें पूरी की पूरी चीजें फार्माकोलॉजी चाहिए, तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम सारी चीजें आपको पढ़ा देंगे, वैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आगे बात सुन में, मेरा मतलब मानना ये होता है कि रामायण पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ें जो कि कम हो लेकिन इंपॉर्टेंट हो। आगे बात सुन में, तो उसी चीज को मैंने आपको यहाँ पे बताया है। थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।